हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट पंडित पे। तो मित्रों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा है नाव और धारा, ठीक है ना, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम, ये आज हमारा दूसरा वीडियो है। हमने एक वीडियो जो है इसका बेसिक का जो ना हमने एक डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके आप जरूर देख लें, ठीक है। चूंकि क्या है कि हमने जो नाव और धारा पढ़ा था कल के जो हम सेशंस में हमने स्टार्ट किया था नाव और धारा, उसमें हमने जो बेसिक के बारे में पढ़ा था तो कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, ठीक है ना। बस उसी क्वेश्चंस को आज हम क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल पे, ठीक है ना। और आज देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं आज के इस सेशंस में। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा आपके स्क्रीन पे है, देरा एक व्यक्ति धारा के विपरीत 4 घंटे में 16 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा की गति क्या है। देखिएगा जरा, यहाँ पे कह रहा है ना, एक जो व्यक्ति है ना वो धारा के विपरीत जो 4 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, किसके, धारा के विपरीत। तो आप लिखिएगा यहाँ पे धारा के विपरीत, ठीक है ना, विपरीत जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति की चाल, व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल, क्योंकि देखिए धारा के विपरीत जो व्यक्ति की चाल है वो 4 घंटे में 16 किलोमीटर है, ठीक है ना, 4 घंटे में 16 किलोमीटर है ना। तो आपको ये जो चाल होता है, व्यक्ति की जो चाल है ना, व्यक्ति की जो चाल है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, क्या होता है, दूरी बटा में समय, यानी कि धारा जो है इधर बह रही है और व्यक्ति जो है धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। जब व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो मेरे भाई तो वहां पे क्या होगा ना, कुछ दूरी तय कर रहा है, जो दूरी तय कर रहा है वो 16 किलोमीटर दिया है और 16 किलोमीटर जो दूरी तय करने में उसको जो समय लग रहा है वो 4 घंटे लग रहा है, तो जो उसकी चाल होगी दूरी बटा में समय और कटने के बाद क्या आएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया किसका, तो व्यक्ति जब क्या कर रहा है ना, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जब यही व्यक्ति धारा के क्या है, दिशा में जा रहा है, ठीक है ना, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में अगर ये क्या कर रहा है, जा रहा है व्यक्ति, तो व्यक्ति की चाल क्या होगी, ठीक है ना, व्यक्ति की जो चाल होगी वो कितनी होगी जरा बताइए। तो दूरी कितना तय कर रहा है, तो कह रहा है ना देखिए, धारा भी क्या हो रही है, इधर जा रही है, व्यक्ति भी इधर जा रहा है, ठीक है ना, यानी धारा और व्यक्ति दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, यानी एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो व्यक्ति है ना वो 36 किलोमीटर जा रहा है और 6 घंटे में जा रहा है, तो उसकी चाल क्या निकल के आएगी धारा की दिशा में, तो दूरी बटा में समय, ये कटने के बाद आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उस व्यक्ति की जो चाल है धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर है, ठीक है ना, और धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल क्या है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आई ना, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि धारा की गति प्राप्त करनी है आपको, ये तो व्यक्ति और धारा दोनों की गति है यहाँ पे, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको धारा की गति प्राप्त करनी है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको कल एक बहुत ही अच्छा सूत्र बताया था, बहुत ही अच्छा नियम आपको बताया था, अगर यहां से अगर व्यक्ति का अगर व्यक्तिगत चाल पूछता, ठीक है ना, व्यक्ति का स्वाभाविक चाल पूछता, तो करते क्या, हम इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते, लेकिन यहाँ पे धारा का चाल पूछ रहा है, जब धारा का चाल आपसे पूछे, धारा का चाल या फिर गति वही बात होती है, ठीक ना, यानी कि वेलोसिटी या स्ट्रीम अगर आपसे पूछ रहा है तो आप करिएगा क्या, इन दोनों को घटा करके, ठीक है ना, इन दोनों को घटा करके 2 से भाग दीजिएगा, यानी कि 6 - 4/2 बराबर क्या होगा, 2/2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, तो धारा की चाल होगी। तो जल्दी से आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला प्रश्न अपना, ठीक है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं चलता हूं आगे, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ना, यदि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की गति 1.5 किलोमीटर है, तो नाव की स्थिर जल में गति क्या होगी। अब जरा देखिए आप यहाँ पे कह रहा है ना, यदि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में चल रही है तो वह 8 किलोमीटर की दूरी जो है 4 घंटे में तय करती है, 8 किलोमीटर, जैसे मान लीजिए
क्या है कि नाव इधर जा रही है आपकी और धारा इधर बह रही है, ठीक है ना, एकदम सेम अपोजिट बह रही है धारा उसकी। तो क्या होगा ना कि यहाँ पे आपको दूरी दे रखा है, यानी कि वो जो नाव है वो धारा के विपरीत में क्या है ना, धारा तो इधर बह रही है, आदमी धारा के विपरीत जा रहा है, तो क्या होगा कि धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की जो दूरी है ना वो 4 घंटे में तय करता है, 4 घंटे में तय करता है। तो जरा ये बताइए कि धारा के विपरीत इस नाव की या इस बोट की चाल क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। मैंने आपको बताया था क्या कि धारा के विपरीत, ठीक है ना, विपरीत नाव की चाल, नाव की जो चाल होगी ना वो क्या होगी, वो होगी आपकी क्या दिया है, 8 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटे में, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, बात समझाई ना। लेकिन आपसे कह रहा है ना धारा का चाल आपको दे रखा है और आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, ये नाव की चाल थोड़ी है, ये नाव की चाल है क्या, नहीं, क्यों नहीं ये नाव की चाल है, नाव की चाल तो कुछ और रही होगी, क्या है, नाव की चाल कुछ और रही होगी, लेकिन नाव धारा के विपरीत दिशा में जाने के कारण धारा भी तो क्या किया है, कुछ उसका चाल रोका है ना, उसके चाल को रोकने की जो वो चाल रोका है धारा, वही तो है नहीं आपका क्या 2 किलोमीटर है, यानी कि चाल रोकने के पश्चात जो है जिस गति से वो जा रही है आपकी नाव, वो चाल है यहाँ पे, बात समझ आई ना, ये आपकी बोट की चाल नहीं है। बोट की चाल का मतलब ये हुआ कि उसकी स्वाभाविक वैल्यू क्या है, उसकी स्वाभाविक मान क्या है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको धारा का मान दे रखा है, धारा की जो गति है आपको दे रखा है वो कितना है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की स्थिर जल में नाव की गति आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जरा एक बात बताइए कि आपको पता है धारा की विपरीत नाव की चाल, ठीक है ना, जो धारा के विपरीत नाव की चाल होती है वो कितना दिया है, 2 है ना, और धारा के विपरीत जो नाव की चाल दिया है आपको 2, ठीक है ना। तो धारा के विपरीत नाव की चाल बराबर क्या होता है कि नाव की चाल माइनस क्या होता है, धारा की चाल या गति वही कह सकते हैं, ठीक है ना, धारा की चाल, बात समझ आ रही है ना। यानी कि विपरीत दिशा में क्या होता है कि देखिए, जब भी विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं, नाव की चाल निकालते हैं ना, तो करते क्या है कि देखिए धारा की दिशा या और ये क्या है, धारा की दिशा यानी धारा की चाल और यहाँ पे बोट की चाल यानी कि नाव की चाल, इन दोनों को घटा लेते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को हम घटाते हैं ना, यानी कि इस बोट की चाल और बोट की चाल में से हम धारा की चाल को क्या करते हैं, घटाते हैं। कब घटाते हैं, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों एक ही दिशा में जाते ना, तो इन दोनों की चालों का हम क्या करते, योग करते, मैंने ये पहले दिन ही बताया था, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये तो धारा की दिशा में नाव की चाल यहाँ पता है, नाव की चाल आपको ज्ञात करना है और धारा की चाल आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। बस यहाँ से निकालिए, 2 बराबर नाव की चाल मानना x है, ठीक है, धारा की चाल क्या है आपका 1.5 है, बस इसको आप इधर लेके आएंगे जब x बराबर हो जाएगा, 2 और 1.5 आएगा तो क्या होगा, 3.5 हो जाएगा, यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी वो नाव की वास्तविक चाल होगी, ठीक है ना, नाव की क्या होगी, वो वास्तविक चाल होगी। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला प्रश्न अपना। चलिए देखते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, और इसमें मैं डिलीट कर देता हूं। चलिए देखते हैं बहुत ही जल्दी, क्या कह रहा है ना अगला प्रश्न आपसे, कह रहा है कि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए यहाँ पे धारा की गति आपको दे रखा है, ठीक है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर फिर उसी स्थान पर 50 मिनट में पहुंचती है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप क्वेश्चंस को, यानी कि क्या है ना, वो 10 किलोमीटर क्या है, धारा के विरुद्ध जा करके फिर उसी स्थान पे वापस क्या हो रही है, 50 मिनट में यहाँ पहुंचती है। तो मोटर बोट की गति स्थिर जल में क्या होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे सवाल समझिए कि क्या हो रहा है ना, कि जो मोटर बोट है वो धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर जा रही है और फिर वापस क्या हो रही है, उसी स्थान पे आ रही है जहां से वो गई थी, ठीक है ना, और इन दोनों को आने जाने में 50 मिनट का समय लगा, कितना, तो 50 मिनट का समय लगा। तो जरा एक बात बताइए, तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए उस नाव की चाल क्या थी, नाव की वास्तविक चाल क्या थी, तो जरा एक बात बताइए मेरे भाई, सबसे पहले माना नाव की चाल, ठीक है, यानी मोटर बोट कहिए या फिर नाव कहिए, ठीक है ना, मोटर बोट का मतलब ये हो गया कि जो एक बोट होती है एक मोटर बोट हो जाएगी, मोटर बोट का मतलब ये होगा इसमें मोटर वगैरह लगा करके उसको चलाया जाता है, ठीक है ना, हाथ से नहीं चलती है वो, ठीक है, तो उसको आप नाव कहिए या फिर मोटर बोट, माना मोटर बोट की, ठीक है ना, मोटर बोट
की चाल, ठीक है ना, माना मोटर बोट की जो चाल है वो क्या है, एक्स है, एक्स है, ठीक है ना, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल आपको दे रखा है, धारा की चाल कितना दिया है आपको, धारा की चाल दिया है आपको यहाँ पे 5 किलोमीटर, ठीक है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह क्या रहा है ना कि 10 किलोमीटर जो है ये मोटर बोट जो है 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जा करके फिर उसी स्थान पे क्या हो रही है ना, ये लौट आ रही है, और इस आने और जाने में 50 मिनट इसको लग रहे हैं, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं कि धारा के विरुद्ध जाने में माना T1 समय लगा, ठीक है, प्लस धारा क्या, चूंकि देखिए धारा के विरुद्ध जा करके जाने में उसको क्या लगा, T1 लगा, फिर वापस आने में माना T2 लगा, और यही दोनों समय जोड़ने के बाद यही तो आ रहा है 50 मिनट, यही तो 50 मिनट है ना, ठीक है। अब हम थोड़ा ये जो मिनट में ना इसको हम घंटा में चेंज कर लेते हैं, तो 60 से हम क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे, ये मिनट जो है ना क्या होगा, घंटा में चेंज हो जाएगा, यानी इतना घंटा। तो जरा एक बात बताइए, ये क्या है, धारा के विरुद्ध जाने के लिए, ठीक है ना, और धारा चूंकि इधर धारा बह रही है, इधर बोट जा रही है पहले, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन में कहा है पहले वो धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर गई, फिर जब वो लौटेगी ना तो धारा की दिशा में ना लौटेगी, धारा तो इधर बह रही है, जरा समझिएगा, धारा इधर बह रही है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ उसके, यहां जरा देखिए, यहां से जो है मोटर बोट यहां जा रही है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपका धारा है, ठीक है, ये है आपका मोटर बोट है, ठीक है, मोटर बोट जो है ना पहले आपका 10 किलोमीटर यहां से इसकी जो दूरी है ये 10 किलोमीटर है, ठीक है ना। यहां से जब मोटर बोट 10 किलोमीटर गई और धारा आपकी इधर बह रही है, मोटर बोट इधर जा रही है, ठीक है ना, जब ये गई तो धारा के विरुद्ध गई, धारा के विरुद्ध जाने में समय, लेकिन जब यहां से फिर वापस स्थान के लौटेगी तो क्या होगी, उसकी दिशा फिर ये होगी ना, इधर होगी ना, जिसमान यहां पहुंच गई, ठीक है ना, यहां पहुंचने के बाद अब क्या करेगी, अब ये नाव इधर वापस अपने स्थान पे आएगी ना, वापस अपने स्थान पे आने के लिए इसकी दिशा क्या होगी, इधर होगी, और इधर ही धारा भी बह रही है, तो जब इधर आएगी ना तो वो क्या होगा, वो धारा की दिशा में, जरा याद रखिएगा, धारा की दिशा में फिर वो गति करने लगेगी, तो धारा की दिशा में आने में लगा समय, इन दोनों समय क्या हुआ 50 मिनट के बराबर था, इसलिए हमने इसको घंटे में चेंज कर लिया, ठीक है। अब देखिए जरा कि जाने में लगा समय, धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय क्या होगा, तो दूरी बटा में क्या होता है, चाल होता है, तो दूरी क्या है आपकी, दूरी है आपकी 10 किलोमीटर, ठीक है ना, 10 किलोमीटर दूरी है, चाल क्या होगी, तो धारा के विरुद्ध जा रहा है ना, धारा के विरुद्ध जा रहा है ये बोट, तो हम करेंगे क्या कि नाव की चाल माइनस क्या, धारा की चाल, ठीक है ना। तो नाव की चाल आपको नहीं पता है, एक्स है, और जो धारा की चाल है वो क्या है, 5 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब जब वहां से ये लौटेगा ना तो लौटने में जो समय लग रहा है वो क्या होगा कि दूरी बटा में चाल, ठीक है ना, दूरी तो वही रहेगी आपकी, ठीक है ना, 10 किलोमीटर का या 10 किलोमीटर फिर वापस आएगा ना, दूरी तो वही है आपकी, लेकिन जो चाल होगा ना, अब देखिए जो ये बोट आ रही है वो अब धारा की दिशा में जा रही है, ठीक है ना, जब धारा की दिशा में आएगी तो इसके और इसके चाल को हम जोड़ देंगे तो वही सापेक्ष चाल होती है, यानी कि अब एक्स प्लस 5 कर दीजिएगा, यानी कि एक्स क्या है, नाव की चाल, और जो 5 है वो धारा की चाल है, और बराबर इधर क्या था, ये 0-0 कटा था ना, 5/6 बचा है, ठीक है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, आप इसका एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, क्योंकि मैं इधर थोड़ा बोलूंगा, नीचे जाऊंगा तो नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूं। चलिए अब देखिए क्या है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपको, बस इनका जो है ना नीचे से एलसीएम लीजिएगा, तो x माइनस 5 और ये हो जाएगा x+5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना, तो जरा एक बात बताइए, इस 10 को ना आप कॉमन लेकर रखिएगा, तो ये क्या होगा, x+5 हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x-5 हो जाएगा, और बराबर 5/6, 5 × 10, और ये -5 + 5 कट गया, तो जरा देखिए मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। अब देखिए क्या बना ना, 2x बना और बाहर 2 है, 4 हो जाएगा ना, 2 × 4x, ठीक है, और बटा में क्या हो गया, a+b, यानी एक कोष में a-b, एक कोष में a+b है, तो उसका फार्मूला होता है कि a² - b², यानी कि x² - 5² बराबर हो जाएगा आपका 1/6, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 24x हो जाएगा, इसका इधर होगा तो ये हो जाएगा x² - इसको लिख सकते हैं आप 25, ठीक है ना, इन सबको उधर लेके जाइए जरा, हो जाएगा आपका x² वहीं पर रहेगा, इधर लेके जाएंगे तो -24x हो जाएगा, और ऑलरेडी वहां पे -25 है, और बराबर इस साइड क्या बचा, 0, क्योंकि जब ये उधर चला गया तो 0 ही बचा ना। अब जरा देखिए क्या है,
इसका जब आप द्विघात समीकरण बनाएंगे तो क्या होगा, चूंकि एक यहाँ पे जो रहता है ना, इसका जो गुणांक होता है इसके और अचर गुणांक में क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, ठीक है। जब गुणा करिएगा तो 25 से कम 25 आएगा, 25 का एक ऐसा गुणनखंड जो घटाने पे, क्योंकि इसके सामने माइनस का चिन्ह है, घटाने पे 24 आना चाहिए और गुणा करने पे 25 आना चाहिए, तो 25 में से एक घटेगा तो क्या होगा, 24 आएगा और 25 में एक से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो इसका द्विघात समीकरण बनेगा ना, वो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस एक्स माइनस 25 बराबर 0। अगर आपको द्विघात समीकरण नहीं आता है तो मैंने द्विघात समीकरण पे वीडियो बना रखे हैं, ठीक है ना, उस क्लास 10 के नाम से आप जाइएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे अब क्या होगा, इसमें x कॉमन है, x को बाहर करिएगा, यहाँ पे x माइनस 25 बचेगा और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो बस इसको x माइनस 25 ऐसे भर रख दीजिएगा, ठीक है ना, x माइनस 25। जरा एक बात बताइए, यहाँ पे क्या दिया है, दोनों में x माइनस 25 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे x माइनस 25, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा क्या, x यहाँ से निकला तो x बचा और यहाँ से निकल गया तो प्लस 1 बचा बराबर 0। जरा एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हम एक बार x प्लस 1 यानी कि इसको अगर हम 0 के बराबर लेंगे तो क्या होगा, x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, और इस x को हमने क्या माना था, बोर्ड की चाल माना था। जरा एक बात बताइए, कभी चाल माइनस में आती है क्या, कभी चाल माइनस में होती है, चाल कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम क्या करेंगे ना, इसको लेंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, जब हम इसको लेंगे हो जाएगा एक्स माइनस 25 बराबर 0, या एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आई ना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी वगैरह में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, या फिर आप एसएससी सीजीएल देने जाएंगे, या फिर आप सीडीएस का पेपर देने जा रहे हैं, या फिर एसएससी जीडी वगैरह का पेपर देने जा रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आपको पुटअप करता है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। चलिए चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है ना, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देख लेते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन अपना। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है ना, एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q बिंदु तक और प्रवाह की दिशा में Q से P बिंदु तक की दूरी 3 घंटे में पूरा करता है, ठीक है ना। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो P तथा Q के बीच की दूरी क्या होगी, यही पूछ रहा ना आपसे। जरा एक बात बताइए, सबसे पहले क्या कह रहा है ना, ये पी है, ठीक है ना, और ये क्यू है। बात समझ आ रही है, यहाँ पे आपका ये जो जल है आपका, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया आपका P और Q, ये आपका बीच में जल है। आपसे कह रहा है ना कि देखिए नाव जो है प्रवाह के विपरीत P से Q बिंदु तक जाने और उसमें क्या है प्रवाह की दिशा में P से Q से P की बिंदु तक क्या हो रहा है आने में उसको 3 घंटे लग रहे हैं। यानी कि कह रहा है ना आपका जो है प्रवाह का विपरीत है ना, प्रवाह का विपरीत जो है P से Q है, यानी कि धारा आपकी इधर बह रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कह रहा है ना, जो नाव जा रही है वो कहाँ जा रही है, वो प्रवाह के विपरीत जा रही है, ठीक है ना, प्रवाह के विपरीत जा रही है, यानी कि P से Q की तरफ जा रही है, ठीक है। अब फिर क्या करिए ना, वो प्रवाह की दिशा में Q से P की जब ओर आ रही है तब क्या हो रहा है, तब जो हो रहा है ना इन दोनों के बीच आने और जाने में समय उसको 3 घंटे का लग रहा है, कितने का, 3 घंटे का लग रहा है। और आपको यहाँ पे नाव की वास्तविक चाल दे रखी, यानी कि शांत जल में दिया ना, या स्थिर जल का है या शांत जल का है, तो आप कहेंगे वो क्या है, नाव की चाल है, ठीक है ना, वह नाव की वास्तविक चाल है, ठीक है। और फिर आपको धारा की गति यानी धारा की चाल भी आपको दे रखा है, बस आपको दूरी निकालना है, यानी कि ये दूरी जो गया है यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, ठीक है। माना दूरी x है, ठीक है, माना माना पी क्यू की दूरी क्या है, पी से क्यू की दूरी की दूरी क्या है मेरे भाई, x है, ठीक है, x किलोमीटर है, x किलोमीटर जब मान लिया आपने ना, बस आपका सवाल हो गया, कैसे हो गया, जाने और आने में क्या हो रहा है 3 घंटा लग रहा है, यानी कि उसके विपरीत दिशा में जाने में T1 लगा और उसके दिशा में आने में क्या लगा नाव को, T2 लगा, और ये दोनों समय क्या लगे मिलाकर 3 घंटे लगे। यानी जब क्या हो रही है, जब ये प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव जा रही है T1 समय लगा, प्रवाह की दिशा में जब नाव आ रही है T2 समय लगा, और यही दोनों समय ना क्या थे 3 घंटे के बराबर थे, ठीक है। अब देखिए जो जाने में जो समय लगा, प्रवाह के विपरीत दिशा में जो जाने में समय लगा वो क्या लगा, तो दूरी बटा में चाल, दूरी हमने x मान रखी है, चाल क्या होगी, चाल क्या होगी, जरा बताइए। इसमें दिया है आपको कि जो नाव की चाल है वो 9 किलोमीटर घंटा है, ठीक है ना, नाव की चाल 9 किलोमीटर घंटा, और आपको जो दिया है धारा की चाल वो क्या दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है आपको,
बात समझ आ रही है? क्योंकि पहले तो वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना, पहले अगर वो विपरीत दिशा में जाएंगे तो जो नाव की चाल होगी और जो वहां पे धारा की चाल होगी उन दोनों का क्या होता, अंतर हो जाता ना सापेक्ष चाल, ठीक है। और प्लस फिर क्या रहना, जब T2 है यानी कि दूरी बटा में समय, सॉरी दूरी बटा में चाल, क्योंकि T2 क्या है, आने में समय, धारा की दिशा में आने में जो समय लगा है वो आपका T2 था ना, इसलिए क्या होगा T2 बराबर क्या होगा, दूरी बटा में चाल। चाल क्या होगी, आते समय जो बोट की चाल और इस धारा की चाल जुड़ी जाएगी, क्योंकि दोनों की क्या हो रही है, जो दिशा है एक ही हो जा रही है, इसलिए क्या होगा 9+3 हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे और बराबर आपका ये 3 घंटा दिया था, ठीक है। अब देखिए जरा बहुत ही आसानी से होने वाला है, ये x बटा में 6 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा x बटा में 12 बराबर 3। चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा 12, तो 6 × 12 हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि 2x और प्लस 12 × 12 यानी कि x हो जाएगा बराबर 3, ठीक है। अब जरा आप यहाँ पे आके देख लीजिए क्या होगा, ये 3x हो जाएगा ना, तो 3x बटा में हो जाएगा 12 बराबर 3, 3 × 12 और ये हो जाएगा x बराबर 4/3 12, 12 किलोमीटर क्या होगा उसकी दूरी होगी, यही दूरी थी ना, 12 किलोमीटर क्या होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, यानी कि P से Q के बीच की दूरी होगी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं कि एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अपना, ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, देख लेते हैं बस इसी टाइप का एक और क्वेश्चन क्या होगा, किससे थोड़ा हमें क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है अगला प्रश्न जो हमारा दे रहा है ना, एक व्यक्ति शांत जल में, ठीक है, एक व्यक्ति शांत जलाशय में 5 किलोमीटर/घंटा की गति से नौका चला सकता है, जब यही व्यक्ति एक नदी में जो कि 1.5 किलोमीटर/घंटा की तेजी से बहती है नौका चलाता है, तो उसे क्या होता है ना कि एक स्थान तक जाकर वापस आने में 1 घंटा समय लगता है, तो बताइए कि यह स्थान आरंभ बिंदु से कितनी दूरी है, यानी कितने किलोमीटर की दूरी पे है। यानी कि देखिए जो सारा सवाल को समझिएगा, स्क्रीन पे आपके सवाल है, कह रहा है जो व्यक्ति है ना जब वो शांत जलाशय में क्या करता है ना कि 5 किलोमीटर/घंटा की चाल से नौका चलाता है, यानी उसकी नौका की जो चाल है ना, नौका की जो वास्तविक चाल है आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, नौका की वास्तविक चाल क्या दे रखी है आपको, नौका की वास्तविक चाल की वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक जो चाल है ना आपकी, वास्तविक जो चाल है आपकी वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपका 5 किलोमीटर/घंटा, ठीक है ना, 5 किलोमीटर/घंटा। तो जरा एक बात बताइए मेरे भाई, कह रहा 5 किलोमीटर/घंटा है, लेकिन जब वो क्या हो रही है ना कि वो एक नदी में प्रवेश करा रहा है, नदी में जब आ रहा है, जो कि नदी की जो चाल है, नदी की चाल आपको दे रखी कितना, नदी की धारा की चाल, ठीक है ना, सॉरी धारा की चाल जो दे रखा है आपको, धारा की गति जो दे रखी है या चाल जो दे रखा है आपको 1.5 किलोमीटर/घंटा दे रखा है, ठीक है, कह रहा ना, तब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे फिर वापस आने में, ठीक है ना, यानी कि अगर वो क्या हो रहा है, ए बिंदु से बी जा करके फिर बी से ए तक आने में उसको 1 घंटा का समय लग रहा है, ठीक है ना, 1 घंटा का समय लग रहा है। तो जरा एक बात, मान लीजिए आपकी क्या है, नदी है, ठीक है ना, नदी जो है ना पहले आपकी मान लीजिए इधर बह रही है, ठीक है, तो इधर बह रही है, बोट क्या है यहां से पहले जाना जब शुरू करेगा तो इधर जाएगा, ठीक है, पहले विपरीत जाएगा और फिर क्या होगा उसके दिशा में आएगा, दोनों कंडीशन यहाँ पे होंगे वापस आने में, यानी कि क्या हो गया कि जब वो यहां से इधर गया, माना इसकी दूरी क्या है x मान लेते हैं, क्योंकि यही दूरी पूछा है ना आपसे, यही दूरी ना आपसे पूछा है कि a और b के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि वो उसे जाकर वापस आने में कितना दूरी लगा उसका, ठीक है ना, क्या है आपका वापस स्थान बिंदु तो कितने दूरी पे है ना, देखिए कह रहा कि आरंभ बिंदु से कितना दूरी पे है वो, यानी कि ए से बी के बीच की दूरी पूछ रही है, यहाँ पे ए बी आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है, मैंने बस मान रखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है, यानी इसके बीच की दूरी क्या है एक्स है, जब बोट क्या हो रही है ना कि धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, तब समय माना क्या लगा, T1 लगा, ठीक है ना, प्लस फिर जब लौटेगी तब वो क्या होगी कि धारा की दिशा में हो जाएगी, और धारा की दिशा में जब वो यहां से यहां तक की दूरी तय कर रही है तो माना उसका T2 समय लगा, और यही दोनों जो समय है वो 1 घंटे के बराबर है, ठीक है ना, इन्हीं दोनों समय को मिलाकर के 1 घंटा, और यानी कि वहां तक जाने और वापिस आने में 1 घंटा समय लगा। तो मेरे भाई अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि क्या होगी, जाने में विपरीत दिशा में जाने में जो उसका समय है वो क्या होगा, दूरी, दूरी बटा में चाल, बोट की चाल आपको माइनस क्या होगा, धारा की चाल,
तो बोर्ड की चाल आपकी क्या थी, 5 माइनस धारा की 1.5। ये माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि धारा इधर बह रही है और बोर्ड उसके विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं धारा के विपरीत दिशा में है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया। प्लस T2 जो समय है ना, वो क्या है, धारा की दिशा में जब वो लौट रही है तब उसका समय है, यानी कि दूरी तो वही होगी और बटा में चाल जो होगा ना, जब चाल जो होगा इधर उसका, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ना धारा की चाल प्लस बोट की चाल, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो 5 + 1.5 कर दीजिएगा, बराबर हो जाएगा 1 आपका दिया है, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है यहाँ पे, ये 5 में से 1.5 घटेगा तो 3.5 बचेगा, ठीक है ना। और प्लस क्या होगा, x भैया है यहाँ पे, इसको जोड़ेगा तो 6.5 = 1 होगा। थोड़ा सा आप इसको चेंज कर सकते हैं, जानते हैं कैसे, आपको कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करने के करिएगा क्या ना, कि 10 से जब ऊपर नीचे आप क्या करिएगा, गुणा कर लीजिएगा, तो हो जाएगा कि 10x/35 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, इसको भी आप 10 से ऊपर नीचे करेंगे तो 10 नीचे वाला जो होगा ना, इसका 10 हटा देगा और ये हो जाएगा 10x/65 = 1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 जब कटाइएगा ना, तो 5 × 7 = 35 और 5 × 10 और 13 × 5 = 65, ठीक है। यानी कि आपका हुआ क्या, 2x/7 + 2x/13 = 1। अब इसको करिएगा क्या, एलसीएम ले लीजिएगा, तो 13 × 7 = 91 होता है ना, इसका एलसीएम गुणा होता है और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 26x + 7 × 14x = हो जाएगा 1, इसलिए 26 और 14 को जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 40x = इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 91, ठीक है ना, या x = 91/40। बात समझ आई ना, 91/40 आएगा। अगर आप चाहेंगे तो इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको जब हल करिएगा ना तो लगभग आपको कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2.2, ठीक है ना, 2.275 आएगा, 7.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चूंकि किलोमीटर में होगा, क्यों किलोमीटर में होगा, क्योंकि ये दूरी है, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में मैंने आपसे बोला था जो मेरा पहला वीडियो था वो थोड़ा बेसिक था, उसमें जो क्वेश्चंस भी थे वो भी थोड़ा बहुत बेसिक थे, ठीक है। और ये जो हमारे सेशन चल रहे हैं ना, इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है क्वेश्चंस का। और चूंकि मैंने आपसे कहा था आपको किसी भी एग्जाम में बैठिएगा आप, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में, मैं इसीलिए मैं बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाता हूँ कि आप क्या होगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, छोटे से छोटे से लेकर के आप बड़े से बड़े एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चंस नया नहीं लगेगा और आपको सारा क्वेश्चंस पढ़ा हुआ रहेगा, मैं सारा पढ़ाऊंगा और आपको बस तैयार करना है, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चंस। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं आगे, ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से अगला प्रश्न हमारा। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, कह रहा है अंशु तीन घंटे में जल की धारा के साथ 21 किलोमीटर जाता है तथा जल के धारा के विपरीत उतने ही समय में 15 किलोमीटर जाता है, तो धारा की गति क्या है, ठीक है ना। जरा देखिए, कह रहा ना धारा के साथ यानी कि धारा के दिशा में क्या हो रहा है ना, अंशु जो है ना वो धारा की दिशा में, जो उसकी चाल है, धारा की दिशा में जो चाल है वो क्या है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। और कह रहा है ना, तो धारा के विपरीत क्या है ना, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा में जाता है, ठीक है ना। धारा के विपरीत क्या हो रहा है मेरे भाई, यहां देखिए, धारा की विपरीत, ठीक है ना, विपरीत चाल जो है उसकी वो कितनी है, वो है आपकी 15 किलोमीटर, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आपका जो है ना चाल नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका दूरी दे रखा है, यहाँ थोड़ा समझिएगा आप, जरा यहाँ देख लेते हैं ना थोड़ा सा, ये ना यहाँ पे क्या कह रहा है, ये डायरेक्ट आपकी नहीं दिया है चल, ये किलोमीटर दिया है, मैं थोड़ा सा इसको वो पढ़ लिया। देखिए क्या है, कह रहा है अंशु तीन घंटे में जल की दिशा में, ठीक है ना, जल की धारा के साथ जाता है 21 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि जब जल की दिशा में वो जा रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। तो कह देंगे कि धारा की दिशा में, क्या है, दिशा में चाल, ठीक है ना, चाल, चूंकि चाल आपका दिया नहीं था, निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, कह रहा कि 21 किलोमीटर जा रहा है तीन घंटे में, कटेगा तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। फिर कह रहा ना धारा की विपरीत, ठीक है ना, धारा की कह देंगे ना विपरीत में चाल क्या होगी, में चाल जो होगी ना वो कह रहा उतने ही समय में
15 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि दूरी बटा में समय भी उतना ही है, बराबर क्या होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आपको पता चल गया। और पूछ क्या रहा था आपसे, कह रहा है कि धारा की गति क्या है। मैंने बताया था आपसे कि जब भी क्या है ना, नाव की चाल अगर आपको दिया हो क्या, कि नाव की चाल अगर दिया है कि धारा की दिशा में इतना किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर प्रति घंटा, तब क्या होगा, अगर नाव की चाल निकालनी होती इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपसे धारा की चाल पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है, तो धारा की गति, ठीक है ना, धारा की गति या फिर वेलोसिटी या फिर स्ट्रीम कह सकते हैं उसको, ये क्या होगी कि 7 - 5/2 बराबर क्या हो जाएगा 2/2 कटने के बाद 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो धारा की जो चाल थी ना वो कितनी थी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं और बहुत ही मजेदार सवाल लेते हैं अगला अपना, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूं, ठीक है। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या है ना, एक तैराक की स्थिर जल में चाल 9 * 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी में एक विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में उसे धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है, ठीक है ना। तो धारा का वेग क्या है, जरा समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा आपसे, क्या है ना कि देखिए चूंकि दूरी तो एक ही है उनका, ठीक है ना, दूरी जो है समान दूरी है, लेकिन क्या है ना जब वो धारा की दिशा में क्या कर गति कर रहा है, यानी कि जब दिशा में और क्या है कि विपरीत दिशा में, ठीक है ना, विपरीत में, ठीक है ना, विपरीत दिशा में, देखिए जरा यहाँ पे धारा के दिशा में धारा के विपरीत में कर रहा है, तो विपरीत में अगर 3 समय लग रहा है ना इसको, इसको यहाँ पे 1 ही समय लग रहा है, ठीक है ना, यानी कि दिशा में जो समय लग रहा है ना उससे जो 3 गुना समय उसको विपरीत दिशा में तय करने में लग रहा है, बात समझ आ रही है, दूरी उनकी सेम है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि धारा का वेग बताइए, और आपको यहाँ पे कह रहा है ना स्थिर जल में जो नाव की चाल है ना, नाव की चाल आपको दे रखा है, ठीक है ना, नाव की चाल आपको कितना दिया है, नाव की चाल जो दिया है ना यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि नाव की चाल, नाव की जो वास्तविक चाल है वो 9 * 1/3 है, 1/3 है ना, हाँ 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या क्या रहा है, समय आपको दे दिया है, दूरी क्या है, इन दोनों की समान है, समान दूरी तय कर रहे हैं ना, जिसको कि यहाँ देखिए यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु में जाने में, ठीक है ना, मान लीजिए क्या है आपका, ये पानी है, ठीक है ना, नदी है आपका, अगर कोई बोट इसमें चला रहा है, ठीक है, बोट इसमें कोई चल रही है, अगर अगर ये बोट क्या होगी, बोट की बात करें, तैराक है ना, तैराक है, छोड़िए इसको, बोट हटाइए, बोट या तैराक लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये तैराक है आपका, तैराक क्या हो रहा है ना, अगर धारा इधर बह रही है, ठीक है ना, और तैराक अगर उधर गति कर रहा है, ठीक है, ये जो तैराक है धारा के विपरीत अगर गति कर रहा है, तो ये जो दूरी है ना आपकी, ये जो दूरी है इसको तय करने में इसको क्या लगा 3 घंटे समय अधिक लग रहे हैं क्या, लेकिन जो क्या हो रहा है ना इधर अगर ये क्या हो रहा है धारा की दिशा में अगर ये क्या कर रहा है गति कर रहा है, धारा की दिशा में ये तैरता है अगर तैराक, तो इसकी तुलना में जो है ना धारा के विपरीत उसको 3 गुना अधिक समय लगता है, वही बात यहाँ कहा गया, यानी कि धारा की दिशा में अगर वो 1 घंटा में तैरता है तो धारा के विपरीत उसे 3 घंटे लग जाते हैं, बस आपको इतना ही समझना और कुछ नहीं। लेकिन दूरी क्या है ना, इन दोनों की दूरियां क्या है, दोनों बिंदु की दूरी क्या है, सेम है, आपको क्वेश्चन में भी क्या रखा है, ठीक है, जब दूरी बराबर होगी तो दिशा में यानी कि धारा के दिशा में क्या होगी जो चाल होगी, आपसे धारा की दिशा पूछ रहा है ना, सॉरी धारा की चाल पूछ रहा है आपसे, जरा एक बात बताइए, माना कि धारा की चाल क्या है, माना धारा की चाल, ठीक है ना, कि चाल जो है ना वो एक्स है, ठीक है ना, माना धारा की चाल एक्स है, तो जो दिशा में वो क्या करेंगे, दिशा में उसको अगर 1 घंटा समय लग रहा है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, कब, जो दिशा में, तो दिशा में के लिए देखिए यहाँ पे चाल क्या होगी, तो क्या करेंगे दिशा में जब ये आ रहा होगा ना, यानी कि धारा की दिशा में अगर होगा तो हम करेंगे क्या कि नाव की धारा की चाल और उस नाव की चाल यानी कि इस तैराक की चाल, ठीक है ना, तैराक है ना, तैराक की चाल, तैराक की, ठीक है ना, तैराक की चाल क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो इनकी चाल हो जाएगी, यानी कि इसको कह सकते हैं 27 * 28/3 + 1, क्योंकि ये क्या है दिशा में कह रहा है, ठीक है ना, धारा की दिशा में अगर चाल होती है तो तैराक की चाल प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है और गुणे समय बराबर क्या होगा ये दिशा में उसकी दूरी हो जाएगी, ठीक है ना, धारा की दिशा में उसकी दूरी हो जाएगी, और ये दोनों दूरियां क्या है बराबर है, तो जो विपरीत दिशा में उसकी जो क्या होगी चाल होगी ना, विपरीत दिशा में जो चाल होगी तैराक की चाल माइनस क्या होगी ना, सॉरी धारा की चाल, ठीक है, और गुणे जो समय लगा है आपका 3 लगा है, ये क्या हो जाएगा चाल गुणे
समय हो गया, यानी कि क्या हो गई, ये आपकी दूरी हो गई। अब जरा एक बात बताइए, ये दोनों दूरी समान थी और एक सी क्या मान रखे थे, ये माना धारा की चाल जो है वो एक्स था, एक्स हमने मान रखा था धारा की चाल। बस करना कुछ नहीं है, यहां से अगर आप एक बार एलसीएम लेंगे ना यहां से, तो हो क्या जाएगा, ये जो तीन है तीन नीचे आ जाएगा, ये 28 प्लस 3x हो जाएगा, और ये एक का गोला तो हटाइए उसको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, तीन अगर आप एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपका 28 माइनस 3x, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, ये 3 से इस 3 को काट देंगे हम। अब देखिए जरा यहाँ पे, ये 28 प्लस 3x बराबर इस 3 का अंदर गुणा होगा तो 28 यहाँ 84 हो जाएगा, ठीक है ना, 28 यहाँ 84 माइनस 3 तीन लिख के 9x हो जाएगा। बात समझ में आई, बस थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे अगर ना इसको, तो क्या होगा, इधर लेके आएंगे तो इसको हो जाएगा 12x, क्योंकि 3x पहले से, ये आएगा तो प्लस 9x 12x हो जाएगा, और इस 84 यहाँ पे है ना, 84 माइनस 28 करिएगा, ठीक है ना, 84 माइनस 28 करिएगा तो कितना आएगा, जरा इसको घटा के देख लेते हैं, यहाँ पे ये आ रहा है आपका 12x बराबर, घटाइए जरा इसमें से कितना हो जाएगा, 14 में से आठ गया 6 और यहाँ बचा 7, 7 में से यहाँ पे 56 बचा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 56 बटा में 12, तो आप इसमें भाग दीजिएगा इसमें, तो कितनी बार में जाएगा, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 चौक 48, ऐसे मत इसको कटाइएगा, थोड़ा सा इसको आप ना शॉर्ट में लीजिएगा, इससे करिए, ठीक है ना, ये जिस मान लीजिए 56 बटा में 12 आ रहा था ना, तो बस इसको ऐसे करिए, 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 चौक के 16, और ये हो जाएगा जब आप 14 में भाग दिएगा तो हो जाएगा 4 सही 2 बटा में 3, ये हो जाएगा किलोमीटर, ठीक है ना, यानी कि 3 4 सही 2 बटा में 3 क्या होगा इसका, किलोमीटर इसका आंसर आएगा। तो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और मित्रों आज के लिए इतना ही रन देते हैं, और हमारे ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चूंकि क्या है बस छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए, जो कि बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक की आपको सारी मैथ में बताऊंगा, ठीक है, जिससे अगर आप मैथ से डरते हो तो मैं एक एक चीज बताता हूँ, एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर आपसे कोई पूछे भी तो आप सारी चीजें उनको डिटेल से आप बता सको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं, मिलेंगे, थोड़ा सा कुछ और भी प्रश्न छूट रहे हैं हमारे तो अगले सेशन में लेके आएंगे, चूंकि क्या है वीडियो में छोटा बनाता हूँ, चूंकि मैथ की जो वीडियो होती है ना आधे घंटे की छोटे ही मानी जाती है, इसलिए मैं छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप भी बोर कभी ना होइए और आराम से वीडियो को देखते रहिए, ठीक है ना। तो मिलेंगे फिर अगले सेशन में, और उस सेशन में करेंगे क्या कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे नावधारा से वो सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ लेंगे और उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के इतना ही, जय हिंद।